हेलो प्यारे बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड 2019 का प्रश्न है अवकल समीकरण से। डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाई टेन एक्स बराबर बाई स्क्वायर सेक एक्स। सो इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बाई टेन एक्स बराबर बाई स्क्वायर सेक एक्स। दोनों तरफ बाई स्क्वायर से भाग लगा देंगे तो वन अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बाई बटे बाई स्क्वायर टेन एक्स बाई स्क्वायर बटे बाई स्क्वायर सेक एक्स। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा वन अपॉन बाई टेन एक्स बराबर में सेक एक्स। अब यहाँ पर मानेंगे एक बटे बाई बराबर मान लेंगे टी और ये हो जाएगा मेरा पास बाई की पावर माइनस वन एक बटे बाई बराबर टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अवकलित करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस वन माइनस वन माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी ओवर डी एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वन बटे बाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। माइनस को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा डी वाई बाई डी एक्स एक बटे बाई स्क्वायर बराबर माइनस डी टी बटे डी एक्स। अब ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो वन अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस डी टी बटे डी एक्स और वन अपॉन बाई की जगह पर टी रख देंगे टी टेन एक्स बराबर हो जाएगा सेक एक्स। माइनस से दोनों तरफ डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स माइनस टी टेन एक्स इक्वल टू माइनस सेक एक्स। और इसका हमारे पास टाइप होगा कि डी वाई बाई डी एक्स, ये इस टाइप का इक्वेशन आ गया, प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास पी एक्स बराबर है माइनस का टेन एक्स और क्यू एक्स बराबर है माइनस का सेक एक्स। अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे हम समाकलन गुणांक, तो ये होता है ई की पावर पी एक्स इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। यहाँ पी की वैल्यू रखेंगे पी एक्स की तो ये माइनस का टेन एक्स है डी एक्स और ये हो जाएगा टेन एक्स का समाकलन होता है लॉग एल एन सेक एक्स और माइनस से ये उल्टा हो जाएगा तो एल एन एक बटे सेक एक्स और ई की पावर में है एल एन है तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा लॉग वाला तो ये हो जाएगा वन अपॉन सेक एक्स और इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स। तो इस तरह से हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया कॉस एक्स। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू डी एक्स। तो वाई इंटीग्रेशन फैक्टर मेरे पास आ गया कॉस एक्स, इंटीग्रेशन क्यू एक्स से मेरे पास सेक एक्स इंटू, इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर का और गुणा होगा इंटर क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन फैक्टर हमारे पास है कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स एन एक्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो ये हो जाएगा वन, तो माइनस डी एक्स और माइनस डी एक्स को करेंगे हम एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो वाई कॉस एक्स बराबर माइनस एक्स प्लस सी, एक्स को इधर ले आएंगे तो वाई कॉस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू सी, ये हमारा हो जाएगा अवकल समीकरण का हल। तो इस तरह से हमने निकाला इस अवकल समीकरण का हल।
सबसे पहले इसको वन बाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद बाई वन अपॉन बाई बराबर टी मानेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा समीकरण आ जाएगा स्टेप में डी टी बटे डी एक्स माइनस टी टेन एक्स बराबर माइनस एक एक्स, जो कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स टाइप का है। यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद उसको इस फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे कि वाई गुणा इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इस तरह से हमने इसको हल्की, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।